और इस तरह का उत्साह लगातार, क्योंकि अब वो क्षण बेहद नजदीक है जिसका सभी को इंतजार था। और अब तो पुरानी मूर्तियों को भी नए मंदिर में पहुंचा दिया गया था, जिसके लिए लगातार ये बातें कही जा रही थी कि जो टाट में रही वो मूर्तियां भी मंदिर में होनी चाहिए। वो तमाम मूर्तियां अब उस जगह प्रवेश करा दी गई है जो एक भव्य मंदिर बना हुआ है। नए मंदिर में वो मूर्तियां ले जाई गई है और प्राण प्रतिष्ठा का वक्त अब बहुत नजदीक। रामलला की मूर्ति विराजमान हुई है नए मंदिर में। जो नई प्रतिमा है उसको तो अंदर सुशोभित कर ही दिया गया है और उसी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसी का इंतजार किया जा रहा है। कुछ ही घंटे का वक्त बचा रह गया है अब यहाँ पर, जब 12:20 की वो शुभ घड़ी आएगी, वो शुभ मुहूर्त होगा। लेकिन इसके अलावा जो पुरानी मूर्तियां थी, जो दर्शन लोग करने गए होंगे, आप में से कई सारे दर्शक होंगे जो दर्शन करने गए होंगे, लेकिन टेंट में भगवान श्री राम को आपने उस वक्त देखा होगा, उन्हीं मूर्तियों को, भगवान श्री राम की उस मूर्ति को उनके तीनों भाइयों के साथ, भगवान हनुमान जी के साथ अंदर सुशोभित मंदिर के अंदर कर दिया गया है। यानी जो पुरानी प्रतिमा है और जो नई प्रतिमा है, दोनों एक साथ एक ही जगह पर रहेंगी। और ये बड़ी खबर है इस वक्त की, अयोध्या से आ रही इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर कि जो कई सालों से मूर्तियां थी टेंट में, वो भी अब नए मंदिर में ला ली गई है, विराजमान उन्हें भी करवाया गया है। और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है। अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शहर भी इसी रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, वहीं गाड़ियों की लाइट जलाकर अपनी खुशी भी जाहिर की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।